हे व्हाट्सएप गाइस, जब आप वीडियो एडिट करते हो तो बहुत सारा वीडियो एडिटर यूज करते हो ओके? आपको पता है जब आप 2K 4K या 1080 में आप एक्सपोर्ट करते हो वीडियो को, आपका क्वालिटी खराब होता है। क्यों ना बिटरेट को पूरा हाई कर दो, तब भी आपका वीडियो क्वालिटी खराब रहेगा। बताता हूँ क्यों। देखो आप तो रिकॉर्डिंग करते हो 720p 1080p या तो 2K में, उसको एक्सपोर्ट करते हो 4K, जो अगर 720 रिकॉर्ड किया है तो उसको एक्सपोर्ट करते हो 1080 2K और 4K में, तो पता है आपका वीडियो क्वालिटी खराब होता है। मैं लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, मैंने पूरा इस पे एक्सपेरिमेंट किया है, तो आपको मैं पूरा प्रूफ दिखाता हूं आपका वीडियो क्वालिटी से खराब होता है। आपको कैसे एनहांस करना वीडियो को कि आपको क्वालिटी पहले जो था उससे बेटर हो और अच्छा दिखे ओके? मैंने बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो देखा है, जो वीडियो आप 720p में रिकॉर्डिंग करते हो वो सब क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है क्या 1080p 2K 4K में एक्सपोर्ट करता है। पता है ब्रो, उससे आपका पूरा क्वालिटी खराब हो जाता है, आपका क्वालिटी का पूरा धज्जिया उड़ जाता है। अभी आपको प्रूफ दिखाता हूं ओके? मैंने यहां पर पूरा एक्सपोर्ट करके रिकॉर्डिंग किया है ओके? दिखाता हूँ, मैंने सबको एक जगह कर दिया है। पता है भाई लोग, मेरे को ये वीडियो रिकॉर्डिंग करने में बहुत टाइम गया है, इतना रिसर्च करने पर। जितना भी एप्स है ना, सब एप्स यूज किया, जितकाइन, मार्शल, पावर डाटा, इनशॉट, VN, कट शॉट, जितना भी पूरा मैंने यूज किया, कम से कम 30 एप्स यूज कर लिया होगा। क्यों ना वो बेकार एप्स भी हो, रेटिंग का उसको भी यूज किया, पर किसी में भी रिजल्ट नहीं। एक ही एप में रिजल्ट अच्छा आया है जो मैं आपको भी बताऊंगा ओके? तो वीडियो बनेगा लास्ट तक दिखाता हूँ। देखो मैंने सब एप्स यूज किया, पहले तो मैंने जो जो पहले था उसको हटा दिया आपको दिखाने के लिए, जो जो एप्स बचा बस उसी में आपको दिखाऊं कंपैरिजन। तो ये देख लो, मैंने सारा वीडियो एडिट किया है अलग अलग ऐप से। देखो इसको मैंने 4K पे वो किया, एक्सपोर्ट किया है ना, देख लो इसका क्वालिटी, देखो नेम देख लो उसको कितना फटा हुआ दिख रहा है ओके? ये भी मैंने 720p को एक्सपोर्ट किया है 4K ओके? तो देखो इसका क्वालिटी तो खराब हो रहा है। देखो भाई लोग, मैंने 720 वीडियो को 1080 या 4K में कन्वर्ट किया है, आपको क्वालिटी लाइव दिखाता हूँ, क्वालिटी देखो कैसे लॉस्ट हो जाता है ओके? मैं लास्ट में आपको सिखा दूंगा कैसे क्वालिटी सही करना ओके? पहले ये देख लो, देखो इस 4K, तो मैंने 720 को इसको किया, देखो इसका नेम देखो ओके? देख लिए फटा हुआ दिख रहा था, और मैंने आपको ये देख लो, देखो कितना गंदा दिख रहा है ओके? इस क्वालिटी, अब मैं आपको 720 का दिखाता हूँ, ये देखो 720, ये देखो इसका क्वालिटी बेटर, 720 क्वालिटी बेटर दिखा रहा है ओके? उससे अच्छा 720 दिखा रहा है, जो कि मैंने डिफॉल्ट करना था 4K। अगर 4K पे करोगे वीडियो का क्वालिटी खराब होगा ही होगा, मैं लाइव प्रूफ के साथ आपको दिखा रहा हूँ। देखो ये देखो 720p का है, जो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया वही आउटपुट है। देखो इसका भी देखो क्वालिटी, मतलब आपको वीडियो कैसे एडिट करना है, देखो इसका क्वालिटी भी देखो कितना गंदा आ रहा है ओके? तो ब्रो मेरे कहने का मतलब है, आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो 720p ओके, आप एक्सपोर्ट करते हो 2K 4K और मतलब 4K तक ओके, तो आपको सब वीडियो क्वालिटी खराब होता है। आप जिस भी रिकॉर्डिंग करो, अगर 720p रिकॉर्डिंग किया तो 720p एक्सपोर्ट करो, तो आपको विश्वास नहीं है ना ब्रो? एक बार जाओ अपना कोई भी एडिटर में ओके, आप जाओ मतलब इसमें ले लो उसको एडिट कर उसको एक्सपोर्ट कर दो ओके, तब देखना आपको क्वालिटी खराब होगा। अब मैं आपको जो वीडियो रिकॉर्डर जो है बताता हूँ कौन सा। देखो ब्रो VN जो एडिटर है ना, मैं दिखाता हूँ VN ओके? देखो ये VN के, मैं बताता हूँ आपको कैसे आपको क्वालिटी को एकदम जबरदस्त करना है बिना कुछ प्रॉब्लम के ओके? तो मैं आपको दिखाता हूँ, कोई वीडियो ले लो, न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करो, जैसे मेरा ये पब्लिक वीडियो ओके? तो मैं इसको ले लेता हूँ ओके? मैं बताता हूँ कैसे एडिट करना, आपका क्वालिटी एकदम जबरदस्त रहे, एकदम मस्त दिखे, क्वालिटी का वो खराब ना हो ओके? मैंने इसको 720 रिकॉर्डिंग किया, तो बस इतना ही से मेरे को चाहिए ओके? आपको जो बहुत जो भी वीडियो बोलता है ना, इसमें आपका 720 का वीडियो है उसको 1080p 2K 4K में एक्सपोर्ट करने के लिए, वो एकदम गलत है, उससे आपका क्वालिटी खराब हो जाता है। तो कभी भी ऐसा गलती मत करना, एक्सपोर्ट करने बाद अब 2K 4K डाल देना, जो क्वालिटी रिकॉर्डिंग करो उसी क्वालिटी पे एक्सपोर्ट करो, वो वीडियो फोल पे। देखो ब्रो सारा कोई भी ऐप सपोर्ट नहीं करता, बस VN सपोर्ट करता है इस फीचर को, उसमें क्वालिटी आपका सही रहेगा, बाकी सब में आपका क्वालिटी खराब हो जाएगा। तो मैं तो देखो पहले तो ले लिया इसको, इसको हमेशा ओरिजिनल में दो, इसको अगर इधर भी कर दोगे ना आपका क्वालिटी लॉस्ट कर जाएगा ओके? ओरिजिनल पे रहने दो, तो इसको आपको जो एडिट करना एडिट कर लो। जैसे मैं बता देता हूँ मैं जो एडिट करता हूँ कैसे करता हूँ। हाँ तो ब्रो देखो पूरा मैं एक्सपेरिमेंट का जो रखकर रखा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ ओके? तो ये एक्सपोज को आप रखो 10 ओके, 10 से ज़्यादा मत रखना, क्योंकि मैंने पूरा रिसर्च किया है सब पे ओके, तभी आपको ये सेटिंग दे रहा हूँ, तो नहीं देता। इसको रखना 70 पे, और सैचुरेशन रखना 25, सैचुरेशन बहुत ज़्यादा मत रखना, इससे आपका क्वालिटी पर बहुत फर्क पड़ता है, ख़राब हो जाता है, ज़्यादा मत रखना। टेम्परेचर को आप रखो -14, अगर आपका येलो दिख रहा है तो -14 का, अगर ज़्यादा वो दिख रहा है ब्लू टाइप का तो उसको प्लस कर लो ओके? ये आपके हिसाब से आपको वीडियो के, तो ये जैसे ये इसका ये सेटिंग का मतलब है आपको कॉर्नर में जो जो ब्लैक आ जाता है, देखो आपको चाहिए, मेरे को तो ये नहीं चाहिए, मैं हटा देता हूँ ओके? तो शार्पन आप देखो जब भी रखना 10 या 16 के बीच में रखना है, तो मैं 13 रख लेता हूँ। और उसके बाद थर्ड को आप ऐड कर लो, लेकिन ज़्यादा आपका अंधेरा अंधेरा लग रहा है तो वीडियो में, बस यही सेटिंग करो ओके, मारो वीडियो को एक्सपोर्ट करो, ऑटो पे रखो ओके। यही फीचर है जो इसमें सपोर्ट करता है, जिससे आपका क्वालिटी ख़राब नहीं हो रहा। अगर मैनुअल करके आप इसको क्वालिटी को इधर उधर कर भी दोगे ना, थोड़ा सा इधर कर दोगे बिटर क्यों ना फुल कर दो, FPS कितना भी कर दो, आपका क्वालिटी ख़राब हो जाएगा। तो आपको क्वालिटी अगर बचाना है तो ऑटो पे रखो, एक्सपोर्ट मारो, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि क्वालिटी देखना, इस जरा से लॉस नहीं हुआ होगा। तो ब्रो इसके लिए चैनल लाइक सब्सक्राइब कर लिया करो यार,
ये जो मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ ना, मेरे को पता बहुत टाइम लगा, मैं कम से कम एक महीना से ये रिसर्च कर रहा हूँ कि मेरा क्वालिटी कैसे करना, कैसे क्वालिटी सही करूँ, कैसे करूँ। मैंने सारा हेयर स्विच करने में पता है कितना टाइम गया, बहुत टाइम गया, तब जाके मेरे को फाइनल दे रहा। और बोला मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कभी भी 720p वीडियो को 4K 1080p 2K कोई भी रेजोल्यूशन उससे ज़्यादा और ना उससे कम कभी भी एक्सपोर्ट मत करना, क्वालिटी नहीं तो ख़राब हो जाएगा, याद रखना। और मैंने 30 ऐप में से एक ऐप चूज़ किया है पूरा रिसर्च से, उसके बाद मैंने आपको दिया है। ओके, पहले आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख लो। ओके, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कौन था हुआ, 4DCM जाता है, ये देखो देखो क्वालिटी देखो देखो, थोड़ा सा भी क्वालिटी नहीं खराब हो गया। देखो 720 मेरा रिकॉर्डिंग 720 देखो 720 का। ओके देख लो, ओके इसको देख लिया। चलो मैं आपको एग्जांपल लाइव दिखाता हूँ, आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। चलो बेटा इसको कर लिया, अब मैं इसी वीडियो को देख लो पहले। ओके, इसी वीडियो को मैं आपके सामने इस पर एडिट करता हूँ। चलो इस पर ही कन्वर्ट करता हूँ इसी वीडियो को। ओके, एक्सपोर्ट करता हूँ। चलो मैनुअल मार्कर सब फुल करता हूँ, 1080 मारता हूँ। चलो ले लो एग्जाम्पल देख लो लाइव। अगर ब्रो आप अगर ये वीडियो नहीं देखे होंगे ना तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी वीडियो क्वालिटी में। मैंने अभी तक किसी को नहीं देखा, मैंने पूरा रिसर्च किया यूट्यूब पे, मैंने पूरा छान मारा क्वालिटी कैसे एनहांस करो कैसे एनहांस करो कैसे एनहांस करो कैसे एनहांस करो, तो किसी का भी नहीं मिला प्रॉब्लम। और मैं जब भी मैं इसकी रिकॉर्डिंग करता था, जो मेरा ओरिजिनल क्वालिटी था अगर उसको एडिट करता था तो क्वालिटी खराब हो जाता था। आपको नहीं पता है क्वालिटी खराब हो रहा है, आपको फिल्टर लगा के लग रहा होगा अच्छा, अगर आपको वही फिल्टर अगर इसमें लगा देते डिफॉल्ट में तो आपको वीडियो और मस्त हो जाता हो गया। ओके, अब चलते इस पे रिफ्रेश मार लिया, अब क्वालिटी देखो। ओके, ये देखो नाम देखो कि यहाँ देखो एकदम आराम से देखो। ओके, देख लिए बैक किया, इसको देखो देखो इसको देख लिए पीला वाला देखो देखो, यहाँ पर जो पोर्शन यहाँ पर शुरू में जो लिखा सिंह चेन नून भी कैसे लिखा। ओके, वहाँ पर ध्यान देखो। ओके, देखना क्वालिटी आपको कितना गंदा दिखाई, देखो ये अभी जो किया और जो पहले किया देखो कितना आपको फर्क दिखा। हाँ, ये कहाँ 1080, ये कहाँ 720, क्वालिटी में कितना फर्क दिख रहा है देखो। वीडियो चला के देख लो, देख लो इसका मैप भी देख लो। ओके, मैप दिखाता हूँ, देखो मैप खुला तो देख लिए, इसका देख लो देखो कितना क्वालिटी लॉस्ट कर रहा है। ओके, तो ब्रो देखो मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, आप जिस क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्डिंग करो उसी में एक्सपोर्ट करो। मैंने सारा ऐप यूज कर लिया है, मैंने आप ही के लिए ये ऐप्स खोजा है, मतलब पूरा रिसर्च किया है। मैं तो अपने लिए किया था, सब अपने लिए करता है। ओके, तो मैं सोचा मैं आपको आपके लिए शेयर कर दूं, तो मैं आपको बता रहा हूं जितना भी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे VN एडिटर जो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करता है वही बेस्ट है। और हाँ, एक चीज़ और है, आप इससे भी कर सकते हो, पिकार्ट में भी जाकर एक्सपोर्ट करेगा ना तो वही क्वालिटी आएगा, पर पिकार्ट में बहुत सारा ऑप्शन नहीं है। तो देखो मैंने और रिसर्च किया, मेरे को पता चला वीडियो लॉन्ग हो गया, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अगर कलर ग्रेडिंग करना वीडियो को और अच्छा एनहांस करना है मैं अगला वीडियो में बताऊंगा। तो ब्रो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, मिलते हैं।